गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट जूलॉजी अपन ने लास्ट जो चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 5 स्टडी किया था, उसका जो आज है पार्ट 6 है। एंड इट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज द डिफरेंस अमंग प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कि प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th एज वेल एज फॉर एनसीईआरटी एज वेल एज फॉर नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक मैंने टेबल ड्रॉ की है, सीरियल नंबर, करेक्टर, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला अगर अपन बिल्कुल बेसिक डिफरेंस अगर अपन देखें, सेल साइज की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल का साइज क्या रहता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल का साइज क्या रहता है। एज वी नो दैट द प्रोकैरियोटिक सेल आर वेरी स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, लेकिन जो इसका मैथमेटिक डेटा है वो भी अपन को लर्न करना है। प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज रहती है, इट इज 0.125 माइक्रोमीटर रहती है, और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज रहता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। एज वी नो दैट माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 to the power of -6 meter। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बताया भी था, और देख लेते हैं मिलीमीटर क्या होता है, 10 to the power -3 meter। नैनोमीटर क्या होता है, 10 to the power -9 meter। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 to the power -10 meter। तो ध्यान से देखना, जो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि सेल साइज की बात कर रहे हैं। सेल साइज कि मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या रहता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज रहता है, इट इज 0.125 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 to the power -6 meter। और जो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज रहता है, इट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। सो वी कैन से दैट द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड अगर बात करें सेल वॉल की, सेकेंड बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, एज वी नो दैट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्मा आर देयर। तो जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो होती है, सेल वॉल जो होती है, इट इज परजेंट होती है। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेटा माइक्रोप्लाज्मा। ये आपको डेटा लर्न करना है ध्यान से, कि जो माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल है जिनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, टोटली एब्सेंट होती है। बात करें कि जो सेल वॉल होती है ये बनी किससे होती है, हियर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड अपन ने डिस्कस भी किया था नेम एंड नेक के बारे में, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसैमिन। सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज परजेंट, एक्सेप्शन माइक्रोप्लाज्मा, बनी किससे होती है, म्यूकोपेप्टाइड, और वी कैन से दैट नेम एंड नेट, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसैमिन। हियर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज प्रेजेंट इन फंगल सेल, के अंदर होती है। बट इन एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। जबकि प्लांट सेल और फंगल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, इट इज प्रेजेंट। बात करें प्लांट सेल में किससे बनी होती है, इन प्लांट सेल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, व्हाइल इन फंगल सेल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इंपॉर्टेंट डेटा है, लर्न करना है, ध्यान रखना है। वापस कि प्रोकैरियोटिक सेल की अपन बात करें, कि सेल वॉल की बात करें, इन प्रोकैरियोटिक सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है कि इन विच प्रोकैरियोटिक सेल सेल वॉल इज एब्सेंट, माइक्रोप्लाज्मा। और अपन माइक्रोप्लाज्मा को जो करो प्लांट किंगडम या PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये बनी किससे होती है, म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड, और वी कैन से दैट नेम एंड नेट। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड फंगाई आते हैं। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, इन फंगल सेल it is present and made up of chitin, we can also call it fungal cellulose. In animal cell it is made up of
इट इज टोटली एब्सेंट। थर्ड अगर बात करें, अपन फॉर्म की बात करें, फॉर्म क्या मतलब है, ध्यान से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फॉर्म मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर जनरली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। यहां पे अगर बात करें ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक की बात करें दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर कौन होते हैं, जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं वो सभी क्या है, यूनिसेलुलर है। अब आपको कि सर प्रोटिस्ट क्या है, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा कि एक साइंटिस्ट से आर एच विटेकर, उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था। फाइव किंगडम सिस्टम उन्होंने क्या, फाइव किंगडम बनाए थे, पूरे जो लिविंग बींग्स थे उनके फाइव किंगडम बनाए थे। कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। मोनेरा ऑल प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उनको किस में रखा था, मोनेरा में रखा था। और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उनको प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटेई और एनिमेलिया में रखा था। प्रोटिस्टा में कौन थे, यूनिसेलुलर, ध्यान से देखना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। जितने भी फंगाई थे ही प्लेस्ड देम इन माइकोटा किंगडम। और जितने भी प्लांट थे उनको उन्होंने रखा प्लांटेई में, और जितने भी एनिमल्स थे उनको उन्होंने किस में रखा, एनिमेलिया में। तो थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्म की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर, बट यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर कौन है, प्रोटिस्ट है, इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की, नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया होगा कि डिवीजन कितने टाइप के होते हैं। जो सेल डिवीजन होते हैं बेसिकली दे आर टू ऑफ टाइप, वन इज माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली माइटोसिस इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स। बट हियर बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस आर प्रेजेंट, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फिर बात करते हैं फिफ्थ एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एज वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन भी यही है, अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, एंड अ सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट इज प्रेजेंट। ये क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। मैं वापस रिवाइज कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सेल साइज की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल हियर प्रेजेंट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, हियर सेल वॉल इज प्रेजेंट बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। बनी कैसे होती है, प्लांट के अंदर सेलुलोज से होती है, फंगल के अंदर काइटिन, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इज फंगल सेलुलोज, और एनिमल के अंदर एब्सेंट ही होती है। फिर बात करें फॉर्म की, जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर कौन होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, और मल्टीसेलुलर माइकोटा, प्लांटेई और एनिमेलिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हाइल इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। फिर बात करते हैं अगला, मैं पहले यहीं पे लिख लेते हैं। अगला अपन बात करें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहां पर किसी भी टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। बट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर देयर, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स टू टाइप के होते हैं, या तो उनके सराउंडिंग एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी या उनके सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन होगी। वो अगर अपन सेल ऑर्गेनेल्स जब स्टडी करेंगे तब आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर सेवन,
हालांकि डिफरेंस तो कई सारे हैं, लेकिन जो अपने 11th एनसीईआरटी बुक में दिए हैं और कुछ जो अपन को याद रखने हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डिफरेंस नंबर 7 की बात करें, राइबोसोम। डियर फ्रेंड्स, अपन ने बात भी की थी कि राइबोसोम इज द सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। तो जो राइबोसोम होता है, यहाँ पर जो राइबोसोम होता है, इट इज 70S टाइप। यहाँ पे कैसा होगा, 70S। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज देयर। और साथ में जनरली जो सेल का राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल का, इट इज 80S टाइप। तो ध्यान से रखना, राइबोसोम इज द सिंगल ऑर्गेनेल्स विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा होगा, 70S होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें 70S और 80S दोनों टाइप के होंगे। 70S माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फिर बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, या अपन बात कर सकते हैं कि डीएनए कैसा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की बात करें, इट इज सर्कुलर इन नेचर, मतलब सर्कल के अंदर होगा, सर्कुलर होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे सर्कल के अंदर होगा, ऐसे सर्कल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इट इज लीनियर इन नेचर। कैसा होगा यह, लीनियर, रेखीय होगा, ऐसे लीनियर होगा, जैसे अपने अंदर होता है। फिर अगर बात करें हिस्टोन प्रोटीन की, अब आप कहोगे सर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो डियर फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं, देखना ये है डीएनए, डीएनए के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सुपर कॉइलिंग। उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए, उसका सुपर कॉइलिंग करना है। लेकिन वी नो दैट द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सुपर कॉइलिंग इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज द डीएनए रिपेल टू ईच अदर, मतलब डीएनए की जो सेगमेंट्स है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उसका सुपर कॉइलिंग जो है वह पॉसिबल नहीं है। तब क्या किया जाए, तब एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज होते हैं वहां पर जाके बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर क्या चार्ज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल चार्ज के कारण डीएनए का जो सुपर कॉइलिंग है, इट अकर्स वेरी इजीली। तो जो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। फिर बात करते हैं प्लॉइडी लेवल की, देखना डियर फ्रेंड्स, प्लॉइडी लेवल क्या है, प्लॉइडी लेवल का मतलब है हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, कि क्रोमोसोम के कितने सेट्स उस सेल के अंदर है या उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। अगर किसी सेल के अंदर, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर उस सेल के अंदर एक ही सेट है क्रोमोसोम का, अ सेल इज सेड टू बी अ हैप्लॉइड सेल। इफ देयर आर टू सेट्स, द सेल इज सेड टू बी अ डिप्लॉइड सेल, एंड मोर देन टू सेट्स, द सेल इज सेड टू बी अ पॉलीप्लॉइड सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर जनरली हैप्लॉइड इन नेचर, मतलब ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। लेकिन ये हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं, और कुछ कंडीशन के अंदर ट्रिप्लॉइड कंडीशन भी देखने को मिलती है। हैप्लॉइड का एग्जांपल स्पर्म्स है, एग है, पोलन ग्रेन्स है। डिप्लॉइड के ऑर्गेनिज्म सोमेटिक सेल्स है, जायगोट है, एज वेल एज। एंड जो पॉलीप्लॉइड, अगर अपन ट्रिप्लॉइड की बात करें, एंडोस्पर्म्स जो होता है, इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। देन अगर बात करें प्लॉइडी के बाद क्रोमोसोम नंबर की, अगर क्रोमोसोम कितने होते हैं, जनरली इन प्रोकैरियोटिक सेल अ सिंगल क्रोमोसोम इज देयर, बट हियर वेरिएबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। वेरिएबल नंबर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप, अलग अलग नंबर में क्रोमोसोम जो है वो आपको ऑब्जर्व होंगे। फिर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, केवल ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर बात करें प्लेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट
प्लेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो डियर फ्रेंड, जब अपन प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब अपन ने बताया था कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट फोल्डेड इनसाइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ फोल्ड होकर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोसोम्स। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और वी कैन से दैट द एटीपी फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन मीजोसोम्स, यहाँ कहाँ होगा मीजोसोम्स होगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द वन ऑफ द इंपोर्टेंट डेटा, ध्यान रखना। फिर लास्ट बात करें, एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट साइनो बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं अपन इसको साइनो बैक्टीरिया। फिर अगर बात करें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसी के एग्जाम्पल है। फिर बात करें माइकोप्लाज्मा की, ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगर इधर बात करें प्लांट, सभी प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स और जितने भी फंगाई है वो भी किसके एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।